चलिए आज का काम पूरा करते हैं। आपको दुर्गा जी की आगे पहुंची कौन को तुम्हारे क्या करना है इसमें है पते दिन कौन से मैं है पुराने और दूसरा कौन सा था अमृता एक छोटा मैसेज कर इन दोनों बच्चों के नाम मेरे आगे चलते हैं। आज हम लोगों ने मैंने आपको काम दिया था वो काम ये था कि मैंने आपको बोला था पैरेललोग्राम का आपको सेल्स में पैरेललोग्राम ना क्या करना है आपको कितने बच्चों ने किया यस आपको टास्क दिए थे इसमें मैंने आपको बोला था कि आप सभी बच्चे पैरेललोग्राम ला करके करेंगे जिसका डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर है केवल स्टेटमेंट में एक लाइन का चेंज था वो लाइन ये थी पहले में मैंने कहा था कि सपोज ट्रायंगल लाओ आप वेक्टर एडिशन में बोला था सपोज इफ टू वेक्टर एक्टिव होने पर दैट दीज टू वेक्टर एक्ट एज द एडजेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल ये तो बोला था बाकी डेफिनेशन जो थी पैरेललोग्राम लाने के हो जाना चाहिए था इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल सच दैट दीज टू वेक्टर एक्ट एज ए एडजेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बस सिर्फ एक शब्द गलत करा जहां पर ट्रायंगल था उसके प्लेस पे क्या जाना था पैरेललोग्राम और डायग्राम में थोड़ा सा मैं डायग्राम बता देता हूँ आपको सही करना सेम सिस्टम जैसे मैंने कहा सपोज दिस वन इज अ पार्टिकल एंड टू वेक्टर एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल लाइक दैट दिस एंड लाइक दैट इट इज से ए एंड बी एक्ट एज द एक्ट एज द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम किसके साइड है और पैरेललोग्राम के बारे में आप बेहतर पूछ जानते हैं ये आपका क्या होता है ये यानी कि ये और ये पैरेललोग्राम की क्या है साइड है एंड सपोज दे आर एक्टिंग एट एन एंगल तो किस एंगल से काम कर रहे हैं बेटा थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं अगर पैरेललोग्राम हमें बनाना है तो आप सब जानते हैं इसका पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दीजिए ठीक है इसका पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट
उसमें क्या था कि जो थर्ड साइड था ट्रायंगल का वो रिजल्ट 10 पे प्रेजेंट करता है। पैरेललोग्राम में क्या है जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा 10 पे प्रेजेंट रिजल्ट 10। और अगर आप गौर से देखें बहुत गौर से तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्रायंगल का था। आपको इसी के हिसाब से करना है। ये आपका वही प्लान दिखा है, ये आपका वही दिखा है, सब कुछ वही है। इवन आपको डेरिवेशन के किसी पॉइंट पे भी चेंज नहीं करना है। जो ये है जो ये है जो ये है सारे आप वैल्यू वही ले लीजिए डेरिवेशन। केवल आपको कहां चेंज मेक करना है, एक तो डायग्राम चेंज करना है, दूसरा यहां पर ट्रायंगल लिखा था वहां पे क्या लिख देना है पैरेललोग्राम। एक तो ये चीज और यहां पर थर्ड साइड लिखा था थर्ड साइड, उस थर्ड साइड को हटाकर वहां क्या कर देना है बाकी सब कुछ सब कुछ सेम है, पॉइंट भी सेम भाई। आई होप आप कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे कर जाएंगे सीधे तो आप भूल अगर आपको नहीं किया तो वेरी वेरी सैड कर जाएंगे। आपको करना चाहिए था करना चाहिए नहीं करना चाहिए था गेट रेडी फॉर टेस्ट और सारे बच्चों को कन्वे कर देना इस बारे में आपस में वैसे भी ग्रुप में रख दूंगा।
है प्लस ठीक है, ये हमारे पास है, इसका हमें डिटेल एनालिसिस करना है। अब जरा देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। वी नो द फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला, a cap equal to vector a upon mod of vector a, तो आप हमें ये निकालना है a square plus y square plus z square। यहाँ पर आप भली भांति जानते हैं ax क्या है, ay क्या है, माइनस, az क्या है, वन। k तो फुल्ड वेक्टर है, k यहाँ पर वन छुपा हुआ है, दिख रहा है ना वन। अगर कोई भी वैल्यू लिखनी जाती है, सपोज मैंने x लिखा, तो x में कई चीजें हिडन होती है, मल्टीप्लाइड बाय वन हिडन है, डिवाइडेड बाय वन भी हिडन है, और उसकी पावर वन भी हिडन है। आप ये चीजें जरूरत को उठा लेते हैं। कितना हो गया, रूट 26। तो a cap इक्वल टू 4i cap माइनस 3j cap प्लस k cap डिवाइडेड बाय रूट 26। समझ में आ गया क्वेश्चन, ऐसे करेंगे कोई डाउट किसी बच्चे को? एक बार तो मुझे बताना, हेलो सर, एक बार ऊपर से बताना जी, क्या से कहां से सर? शुरू में से स्क्रीन नहीं आ रही थी सर, स्क्रीन नहीं आ रही थी, शुरू से बता दो। स्क्रीन नहीं, अब स्क्रीन आ रही है? हाँ अब आ रही सर। देखो बेटा, प्रॉब्लम यह थी, फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर, एक कोई वेक्टर दिया गया है, इस वेक्टर का हमें क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर। तो हमें फॉर्मूला पहले से पता है, हमने फॉर्मूला था a कैप इक्वल टू वेक्टर a और मॉड ऑफ वेक्टर a। हमने अज्यूम करा, सपोज दिस वेक्टर इज नॉट वेक्टर a, मतलब वेक्टर a इक्वल टू 4i कैप + 3j कैप + k कैप एंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इज 4, दैट इज रिप्रेजेंट ax, माइनस थ्री रिप्रेजेंट ए वाई, एंड वन रिप्रेजेंट ए जेड, बिकॉज दीज आर द कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग अराउंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हम लोगों ने सीखा था पहले, फिर हमने वेक्टर ए लिख दिया, आफ्टर दैट वी हैव डिटरमाइंड मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और हमने एक कंपोनेंट उठा के स्क्वायर निकाला, रिजल्ट निकाल दिया, और कोई किन दोनों वैल्यूज को, इसको और इसको उठा के फॉर्मूले में रख दिया और हमें आंसर मिल गया। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। जिस पॉइंट को जो बुक मैंने अपलोड करी हुई है, कुछ पॉइंट मैं लीड कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट आपको क्लियर करने में वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और सिलेबस भी मैंने अपलोड किया हुआ है,
कुछ चीजें हमें जानना आवश्यक है, टू इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशन। संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हमें जानना आवश्यक है, जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो पहला पॉइंट है, वेक्टर ऑफ द सेम नेचर कैन बी सेम नेचर ऑफ वेक्टर कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है कि जैसे हमने बोला, एग्जांपल देखो, फोर्स इक्वल टू फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस नाइन के कैप एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट सपोज सिक्स आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस टू के कैप, क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर आ गए। एक तो हमारा ये वेक्टर, ये हमारा वेक्टर एफ है, और हमें माना ये हमारा वेक्टर एस है। क्या हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? द सेम नेचर ऑफ वेक्टर कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। सेम नेचर जैसे कि रुपया रुपये में जुड़ेगा, पैसा पैसे में जुड़ेगा, मिलीमीटर मिलीमीटर जुड़ेगा। क्या हम मीटर को मिलीमीटर जोड़ सकते हैं? किलोग्राम को क्या मीटर से जोड़ सकते हैं? सबकी वैल्यू अलग अलग है। उसी प्रकार से ये फोर्स है, तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट कैसे जोड़ते हैं? फोर्स सिर्फ फोर्स से घटेगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट से घटेगा। मतलब सेम नेचर का जो वेक्टर होगा वही घट सकता है या वही जुड़ सकता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेम नेचर, और सिंपल से एग्जांपल आप देख समझ सकते हैं। जब मैंने कहा आपके पास 2 रुपीज है और 50 पैसे है, 2 रुपीज है और आपको 30 पैसे और दे दिएगे, कितने पैसे दे दिएगे? 30 पैसे। तो क्या आप इन 30 पैसों को 2 रुपये में जोड़ सकते हैं? आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, या तो आप 2 रुपये को पैसे में तोड़ो, पैसे को तोड़ो, या पैसे को रुपये में कन्वर्ट करो, फिर रुपये में जोड़ो। मतलब कन्वर्जन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से कैसे जोड़ते हैं? वो होता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या है? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, आप उनको कैसे जोड़ लेंगे? अमिता आपके पीछे जो लड़की बैठी उसका क्या नाम है? अपना चंचल, इसका नाम कंचन को एक ना क्लास में पूरे चंचल को एक बेटा पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना? किसी बच्चे को बुलाओ और सिंपल सी बात थी जो मुझे बता था और आपको पता भी थी ऑलरेडी। आपको ये चीजें ऑलरेडी पता थी, रुपया रुपये में जुड़ेगा, पैसा पैसे में जुड़ेगा, किलोमीटर किलोमीटर के साथ जुड़ेगा, किलोमीटर का अगर जोड़ना तो आपको कन्वर्जन। सेकेंड थिंग, वेक्टर एडिशन इज कॉमुटेटिव। वेक्टर जो एडिशन होता है उसको कॉमुटेटिव होता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहलाता है? वेक्टर एडिशन इज कॉमुटेटिव।